11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म गदर 2 की बात करें तो इस फिल्म को लेकर हर रोज कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है। लेकिन इसी बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बताना चाहेंगे कि अब कोर्ट की तरफ से एक वारंट इशू हुआ है अमीषा पटेल के खिलाफ और ये वारंट उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में हुआ है। अमीषा पटेल की बात करें तो इस समय वो गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और आए दिन वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस से रूबरू होती ही रहती हैं। अमीषा पटेल वैसे काफी समय से फिल्मी दुनिया से दूर रहती हैं, लेकिन अब वो अपना कमबैक कर चुकी हैं। इन दिनों वो गदर 2 की शूटिंग कर रही हैं। लेकिन इसी बीच अमीषा पटेल का एक पुराना विवाद सुर्खियों में आ गया है। अमीषा के खिलाफ 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है और इस केस में अमीषा पटेल फंसती हुई नजर आ रही है। होता यह है कि रांची के कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट इशू किया है, साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दे दिया गया है। अब आप ये सोच में पड़ रहे होंगे कि ये वारंट क्यों इशू हुआ है और कब का यह मामला है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमीषा पटेल के खिलाफ 2.5 करोड़ के चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले पर रांची के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। लेकिन इस दौरान अमीषा और उनके वकील तारीख पर नहीं पहुंचे और यही बड़ी वजह है कि कोर्ट ने अमीषा पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक वारंट जारी किया है। अमीषा को अगली सुनवाई पर पेश होने की बात कही गई है और इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है। साथ ही इस रिपोर्ट की माने तो यह मामला 2012 का बताया जाता है। रांची के एक बिजनेसमैन अजय कुमार ने फिल्म देसी मैजिक बनाने की चाह में अमीषा के अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए डलवाए थे। इस फिल्म की शूटिंग कुछ समय के अंदर ही शुरू होने वाली थी, लेकिन फिल्म का काम आज तक फ्लोर पर नहीं आया। जब अजय कुमार ने अपने पैसे अमीषा पटेल और उनके पार्टनर से मांगे तो उन्होंने दिलासा दे दिया। इस दौरान उन्हें यह भी कहा गया कि अगर फिल्म बन गई तो उनके पैसे और ब्याज दोनों मिल जाएंगे। हालांकि बात ज्यादा बढ़ने पर अमीषा पटेल द्वारा अजय कुमार को 2 करोड़ रुपए का चेक दे दिया गया जो बाउंस हो गया और इसी वजह से हार खाकर अजय कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अगर कोर्ट की सुनवाई पर अमीषा पटेल ने अमल नहीं किया तो उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी के साथ ही अगर वर फ्रंट की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर 2 दी कथा कंटिन्यूस 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में एक बार फिर से सनी देओल तारा सिंह के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर फिल्म की लीड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इस बार भी सकीना के किरदार में नजर आने वाली है। 2001 में आई फिल्म गदर 1 प्रेम कथा में जहां एक तरफ अपनी पत्नी सकीना के लिए तारा सिंह दुश्मन देश की तरफ रुख करते हैं तो वहीं दूसरी ओर अब तारा सिंह अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा के लिए दुश्मन देश की तरफ रुख करेंगे और वहां गदर मचाते हुए अपने बेटे जीते को सही सलामत वापस लेकर आने वाले हैं। साथ ही गदर 2 में इस बार कई सारे नए कलाकारों की एंट्री भी हो चुकी है जिनमें लव सिन्हा और मनीष वाधवा जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं। वैसे इस फिल्म को लेकर हर रोज कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है क्योंकि गदर 1 प्रेम कथा की अपार सफलता को देखने के बाद कई लोगों का मानना है कि यह हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित रहेगी। 100 करोड़ों के बजट में बनी यह फिल्म इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है और इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है।